Hello everyone. First of all, a many congratulations to you all for boarding the flight of being in a company secretary. आज आपने सही मायने में कंपनी सेक्रेटरी की फ्लाइट को बोर्ड कर लिया है। अभी तक जब आप CS एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी कर रहे थे तो कितनी भी कंपनी लो पढ़ ली आपने, कितना भी कंपनी सेक्रेटरी के बारे में जान लिया और कितना भी खुद को कंपनी सेक्रेटरी अज्यूम कर लिया, कहीं ना कहीं आपके माइंड में एक सवाल जरूर था कि भाई अभी तक हम एंट्रेंस टेस्ट की ही तो तैयारी कर रहे हैं। देखा जाए तो सही मायने में हमने अभी तक CS कोर्स की शुरुआत नहीं करी है। हमारे कोर्स का नाम ही देख लो, CS एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट। बट नाउ आई वुड लाइक टू टेल यू दैट आपने फाइनली इस मोस्ट नोबल प्रोफेशन की जर्नी को शुरू कर दिया है और इसीलिए मैंने आपसे कहा कि आज से आपने एक फ्लाइट बोर्ड करी है और आपकी ये फ्लाइट आपको लेके जाएगी इस कंट्री के वन ऑफ द मोस्ट प्रोफेशनल कोर्स की तरफ, विच इज बीइंग अ कंपनी सेक्रेटरी। तो आज आप एक प्रोफेशनल दुनिया में कदम रखने वाले हैं और इसलिए आई वुड लाइक टू वेलकम यू टू द वर्ल्ड ऑफ प्रोफेशनलिज्म। मैम, ये सारी बातें तो ठीक हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या है हमारी। क्या समस्या है बच्चों? जब से आपका एग्जाम हुआ है तब से आपके दिमाग में टेंशन ही टेंशन है। आपके दिमाग में दो तरीके की टेंशन है। मैम, हम पास हो गए तो भी टेंशन, फेल हो गए तो भी टेंशन, ये कैसी बात हुई? अगर हम फेल हो गए तो टेंशन समझ में आती है। टेंशन इस बात की है कि अभी तक हमने दुनिया जहां के लोगों को ये बता दिया है कि हम कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स कर रहे हैं, हमने CS का फॉर्म भरा हुआ है और हम कुछ सालों बाद कंपनी सेक्रेटरी बनेंगे। जब हमने लोगों को ये बताया तो उन्होंने हमको ये भी समझाया कि भैया बहुत टफ कोर्स होता है, इजीली नहीं हो सकता, एक बार में कोई CS नहीं बनता, बहुत मुश्किल से ये हो पाता है, बहुत कम लोग इस एग्जाम को पास कर पाते हैं। लेकिन फिर भी हमने बहुत प्राउडली इनको बताया कि आई एम गोइंग टू परस्यू द कोर्स ऑफ कंपनी सेक्रेटरी। अगर हम फेल हो गए तो वो सब लोग हम पे हंसेंगे और वो कहेंगे हमने तो पहले ही कहा था कि आपसे CS ना हो पाएगा। तो फेल होने की टेंशन तो है ही, लेकिन मैम एक और टेंशन है, अगर हम कहीं गलती से पास हो गए, अगर कहीं जो अंधी अक्कू बक्कू हमने लगाया था एग्जाम में, जय माता दी करके आए थे एग्जाम में, कहीं वो सब सही हो गए और हम गलती से पास हो गए, देन फिर तो आगे CS एग्जीक्यूटिव है। और हम लोगों ने बहुत सारे लोगों से सुना है कि CS एग्जीक्यूटिव तो बहुत टफ होता है, CS एग्जीक्यूटिव में बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, CS एग्जीक्यूटिव में तो MCQ भी नहीं होता है और जहां जहां MCQ होता है वहां नेगेटिव मार्किंग भी होती है। ये सारी कई बातें आपके दिमाग में घूम रही हैं। जरा सोच के देखिए कितनी अजीब बात है। जिस कोर्स के बारे में अभी आपको नहीं पता, जिसके कंटेंट के बारे में आपको नहीं पता, जिसके सब्जेक्ट्स के बारे में नहीं पता, जिसकी स्ट्रेटजी के बारे में नहीं पता, आपको ये पता है कि वो टफ बहुत है, आपको ये पता है कि उसमें बच्चे पास नहीं होते और आपको ये भी पता है कि कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होता जो एक बार में इसको पास कर ले। मतलब ना हमें कोर्स पता, ना हमें सब्जेक्ट्स पता, ना हमें कंटेंट पता, सब कुछ छोड़ो हमें पासिंग क्राइटेरिया तक नहीं पता, लेकिन हमें पासिंग रिजल्ट पता है, क्योंकि ये सारी बातें आपने कहीं ना कहीं किसी ना किसी के मुंह से सुनी है, अपने सीनियर से, अपने रिलेटिव से, अपने फ्रेंड से। लेकिन आप लोगों की इन्हीं सारी कंफ्यूजन्स को दूर करने के लिए टुडे आई एम स्टैंडिंग बिफोर यू टू प्रेजेंट माय दिस लेक्चर इन विच आई एम गोइंग टू टेल यू A to Z ऑफ कंपनी सेक्रेटरी कोर्स CS एग्जीक्यूटिव लेवल। यानी जब हम CS एग्जीक्यूटिव का नाम आता है, जैसे ही हम CS एग्जीक्यूटिव की बात सुनते हैं, हजारों सवाल आपके दिमाग में आते हैं। एंड आई एम ऑल्सो वेरी श्योर जिस दिन से आपका एग्जाम हुआ है उस दिन से आपने बड़ी सारी रिसर्च कर डाली होगी CS एग्जीक्यूटिव के बारे में, उसके मॉड्यूल्स के बारे में, उसके कंटेंट के बारे में, उसके पासिंग क्राइटेरिया के बारे में और सबसे इंपॉर्टेंट उसके रिजल्ट के बारे में, बच्चे पास होते हैं कि नहीं होते हैं। कई बार तो आपने ये भी सुना होगा, अच्छा सिर्फ 1% बच्चे पास होते हैं,
होते हैं, सिर्फ 2% बच्चे पास होते हैं। लेकिन बेटा एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर 1% बच्चा पास होता है तो आप अपने आप को उस 1% में देखेंगे, 99% में नहीं देखेंगे। तो बहुत सारी क्वेरीज, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आपने बहुत सारी रिसर्च कर डाली होगी, लेकिन अभी भी कुछ क्वेश्चंस होंगे जो आपके माइंड में कहीं ना कहीं सेटल होंगे। तो दैट इज व्हाई आई डिसाइडेड कि आई विल ब्रिंग अ लेक्चर इन फ्रंट ऑफ यू इन विच आई एम गोइंग टू टेल यू एवरीथिंग अबाउट सीएस एग्जीक्यूटिव। ओके, क्योंकि किसी भी कोर्स को करने के पहले उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। सीएस एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट में भी आई ऑलवेज यूज टू टेल यू कि जब तक आपको सीएस के बारे में ना पता हो, जब तक आपको सीएस का काम ना पता हो, जब तक आपको इस फील्ड में इंटरेस्ट ना हो, तब तक आपको इस कोर्स की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल वैसे ही सीएस एग्जीक्यूटिव टफ है। इस आखिरी स्टेटमेंट तक पहुंचने के पहले की जर्नी बहुत लंबी है। पहले इस सब्जेक्ट के बारे में समझो, इस लेवल के बारे में समझो, इंस्टीट्यूट की स्ट्रेटजी के बारे में समझो, अपनी स्ट्रेटजी के बारे में समझो, एक फॉर्मेट देखो क्या है, रिजल्ट देखो क्या है, और फिर ये समझो कि आपको कहां पहुंचना है। तो आज के लेक्चर में आई एम गोइंग टू टेल यू एवरीथिंग अबाउट सीएस एग्जीक्यूटिव। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन ऑन दिस कोर्स। हमारी रेस आज से शुरू हो गई है, तो चलो इस रेस को आगे बढ़ाते हैं और सीएस एग्जीक्यूटिव के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं डिटेल में। अच्छा, आप सबको ये सब तो पता ही होगा, इनफैक्ट यू आर वेरी श्योर कि सीएस एग्जीक्यूटिव का जो टोटल कोर्स ड्यूरेशन है, वो कोर्स ड्यूरेशन है बच्चों 9 मंथ्स का। आपको पता है कि आपका जो सीएस एग्जीक्यूटिव था वो सीएस एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट था वो 3 महीने के ड्यूरेशन का था। ओके, बट देन ये सीएस एग्जीक्यूटिव का जो लेवल है, इसका कंप्लीट ड्यूरेशन लगभग 9 महीने का होता है। इस 9 मंथ्स में आपके टोटल 8 सब्जेक्ट्स होते हैं। अगेन ये सब्जेक्ट्स कहने के लिए 8 हैं, लेकिन इनको 8 सब्जेक्ट मानने की गलती मत करिएगा। इसमें कई सारे सब्जेक्ट्स हैं जो कंबाइन हो गए हैं, यानी 2 सब्जेक्ट्स को 1 सब्जेक्ट का नाम दे दिया है। अच्छी बात क्या है, इन 8 सब्जेक्ट्स को 2 अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, और ICSI यानी CS की भाषा में हम लोग इन ग्रुप्स को मॉड्यूल्स बोलते हैं। यानी बेसिकली उन्होंने किया क्या है कि जो 8 सब्जेक्ट्स हैं उनको 4-4 सब्जेक्ट्स के 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया कि भाई 4 सब्जेक्ट अलग कर दिए, 4 सब्जेक्ट अलग कर दिए, ठीक है। और इन ग्रुप्स को हम लोग CS में मॉड्यूल्स बोलते हैं। इसका मतलब एक होता है हमारा मॉड्यूल 1 और एक होगा हमारा मॉड्यूल 2, ठीक है। सबसे अच्छी बात जो होती है वो ये होती है कि आप अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से इस कोर्स को कंप्लीट कर सकते हो। 2-3 अच्छी बातें हम सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे इस कोर्स के बारे में। सबसे पहली चीज, हमारे इस कोर्स में कोई एज लिमिट नहीं है, कोई अटेम्प्ट लिमिट नहीं है। आपको पता है ना जाने कितने ऐसे कोर्सेज होते हैं जिसमें एज लिमिट होती है, अटेम्प्ट लिमिट होती है। एज लिमिट होती है कि भाई 30 इयर्स के अबव आप अप्लाई नहीं कर सकते, 35 के अबव आप अप्लाई नहीं कर सकते। अटेम्प्ट लिमिट होती है, सिर्फ 3 अटेम्प्ट देखा जाएगा, 3 अटेम्प्ट में पास कर लिया तो ठीक है। हमारे इस कोर्स में ना ही एज लिमिट है, ना ही अटेम्प्ट लिमिट है। यानी कि इंस्टीट्यूट आपसे कह रहा है आराम से पढ़ाई करो, धीरे धीरे पढ़ाई करो, बस नॉलेजफुल पढ़ाई करो, अच्छी पढ़ाई करो, कंटेंट अच्छा रखो और आप एट द एंड एक नॉलेजेबल पर्सन बनो। कई बार हमारे दिमाग में एक और चीज आती है कि मैम मान लीजिए मेरा एक बार में नहीं निकला, दूसरी बार में निकला, तीसरी बार में निकला, तो मेरी तो मार्केट में वैल्यू ही गिर जाएगी, हमको तो कोई जॉब में ही नहीं रखेगा, मेरी तो वैल्यू नहीं बचेगी, हमको जॉब का पैकेज कम मिलेगा। तो बेटा आप सब लोगों से जो ऐसी थिंकिंग रखते हैं, मेरा एक छोटा सा सवाल है आपसे, जब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो दवाई लेने के लिए, कितने लोगों ने आज तक अपने डॉक्टर से ये सवाल पूछा है कि आपका MBBS कितने अटेम्प्ट में निकला, आप अपने MBBS के कोर्स में कितनी बार फेल हुए, आपके नंबर कितने आए, आपकी डिस्टिंक्शन मेरिट आई थी कि नहीं आई थी। अगर आपके अच्छे नंबर आए थे तब तो हम आपसे दवाई लेंगे, और अगर आपके अच्छे नंबर नहीं आए थे तो हम आपसे दवाई नहीं लेंगे। कितने लोगों ने आज तक अपने लॉयर से ये पूछा कितनी बार में पास हुए, परसेंटेज कितना था, अगर तुम्हारा परसेंटेज अच्छा था तब तो हम अपना केस तुमको देंगे लड़ने के लिए, और अगर तुम्हारा परसेंटेज अच्छा नहीं था तो तुम तो मेरा केस हार जाओगे।
कितने लोगों ने आज तक अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट से ये सवाल पूछा कि तुम्हारे नंबर कितने थे, तुम्हारी डिस्टिंक्शन कितनी थी। मेरे इन सारी बातों का एक ही कॉन्क्लूजन है, प्रोफेशनल इज ऑलवेज अ प्रोफेशनल नो मैटर हाउ मच मार्क्स ही इज गेटिंग। जिस दिन आप कंपनी सेक्रेटरी बन जाओगे उस दिन कहीं पर भी आपके नाम के आगे ये नहीं लिखा जाएगा कंपनी सेक्रेटरी विथ 40% मार्क्स, कंपनी सेक्रेटरी विथ 60% मार्क्स, कंपनी सेक्रेटरी विथ 90% मार्क्स। कंपनी सेक्रेटरी मीन्स अ कंपनी सेक्रेटरी। और आपकी तरक्की आपके करियर में होगी कि नहीं होगी ये सिर्फ एक बात पे डिपेंड करता है, वो एक बात है आपकी नॉलेज, आपकी स्किल, आपका कैलिबर, कि आप अपनी सीखी हुई चीजों को कितना अच्छा अप्लाई कर सकते हो। बेसिक चीजों को समझो। हर इंसान आज आपको ये बता रहा है कि अगर आप ऐसे करोगे तो 100 नंबर आ जाएंगे, अगर आप ऐसे पढ़ोगे तो 90 नंबर आ जाएंगे, और हम आपको गारंटी दे रहे हैं सीएस एग्जीक्यूटिव पास हो जाओगे। तो बेटा सीएस एग्जीक्यूटिव पास होके क्या करोगे अगर नॉलेज ही नहीं मिली तो? आप उस नॉलेज को अप्लाई कैसे करोगे? आपके 90 मार्क्स आ गए, कुछ नहीं आता था, रट लिया, कि करते थे ना बचपन में, याद कर लिया, रट लिया, 90 नंबर आ गए एग्जीक्यूटिव में, प्रोफेशनल भी किसी तरह पास हो गया, ट्रेनिंग भी किसी तरह, वैसे आपको पता है ट्रेनिंग के लिए भी इंटरव्यू होता है, ठीक है, किसी तरह कुछ भी हो गया, जॉब में गए। और आपको पता है हिस्ट्री में आज तक बहुत सारे ऐसे केसेस हुए हैं जिसमें ऑल इंडिया रैंकर्स तक को जॉब नहीं मिला। पता है क्यों? क्योंकि उन्होंने, उनके पास वो स्किल नहीं थी, उनके पास वो नॉलेज नहीं थी, ऑल इंडिया रैंकर होने के बावजूद भी। इसका मतलब सिर्फ ये जरूरी नहीं है कि आपके 100 में 100 नंबर आए, सिर्फ ये जरूरी नहीं है कि आपके 90 नंबर ना आए, इंपॉर्टेंट ये भी है कि आपके पास नॉलेज कितनी है, आपका कंटेंट कितना स्ट्रांग है। और आप अपने करियर में तरक्की करोगे कि नहीं करोगे ये इस बात पे डिपेंड करेगा। आप देखिए डॉक्टर तो सब होते हैं, कुछ डॉक्टर्स ऐसे होते हैं जिनकी, जिनके पास जाने के लिए आपको नंबर लगवाना पड़ता है, और कुछ डॉक्टर्स ऐसे होते हैं जो अपनी क्लिनिक में खाली ही बैठे रहते हैं, कुछ लॉयर्स ऐसे होते हैं जो सबसे बड़े लॉयर्स होते हैं जिनकी फीस लाखों में होती है, और कुछ लॉयर्स ऐसे भी होते हैं जिनके पास कोई काम नहीं होता। इसका मतलब डिग्री तो दोनों की सेम है, फिर स्किल्स, नॉलेज, समझ आई बात? तो डेडिकेशन, आप जो कर रहे हो उसमें डेडिकेशन। तो कभी भी किसी भी कोर्स में हमेशा एंड रिजल्ट पे मत पहुंचो कि अच्छा हमें इतने नंबर लाने हम पास हो जाएंगे। अभी अभी आप सीएस एग्जीक्यूटिव का मतलब ये समझते हो, अच्छा सीएस एग्जीक्यूटिव मतलब 2 मॉड्यूल्स हैं, 8 सब्जेक्ट हैं, अगर हम 8 में पास हो जाएंगे सीएस एग्जीक्यूटिव डन। नो माई फ्रेंड, सीएस एग्जीक्यूटिव का मतलब आपको एग्जीक्यूटिव लेवल की नॉलेज होनी चाहिए, आपको एक एक्सपर्ट लेवल की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है? तो उस नजरिए से हम लोग सब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, उस नजरिए से हम लोग कंटेंट के बारे में पढ़ेंगे। और एक बार जब आपका कंटेंट स्ट्रांग है, आपकी नॉलेज स्ट्रांग है, दुनिया की कोई ताकत आपके नंबर अच्छे लाने से नहीं रोक सकती, ठीक है? तो एग्जीक्यूटिव की बात करते हुए, ये तो थोड़ा सा मोटिवेशनल बात हो गई, एग्जीक्यूटिव की बात हम आपको बता रहे थे। तो इनके 8 सब्जेक्ट्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया इंस्टीट्यूट ने। इंस्टीट्यूट ने कहा कोई एज लिमिट नहीं है, कोई अटेम्प्ट लिमिट नहीं है, बस अच्छे से हमको पास करके दिखा दो। अच्छी बात ये है कि इन 8 सब्जेक्ट्स में भी आपको ऑप्शन दिया है, आप चाहो तो ये 8 के 8 सब्जेक्ट एक बार में पेपर दे दो। अगर आप अपनी एलिजिबिलिटी समझते हो, अगर आपको लगता है कि आपकी प्रेपरेशन अच्छी हो गई है, तो आप ये 8 के 8 सब्जेक्ट एक बार में दे सकते हो। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं हमारे ऊपर बर्डन ज्यादा हो जा रहा है, हम 8 सब्जेक्ट मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, तो आप इनके मॉड्यूल्स को अलग अलग दे सकते हो। उसके लिए हमारे इंस्टीट्यूट में जो एग्जाम होता है वो 2 बार होता है, एक जून में होता है और एक दिसंबर में। तो जैसे अगर मान लीजिए आपने डिसाइड किया कि आप मॉड्यूल 1 का एग्जाम जून में देना चाहते हो, तो आप 4 पेपर की तैयारी करोगे और वो 4 पेपर का एग्जाम आपको देना होगा जून में। जैसे ही जून में आपका पेपर खत्म हो जाएगा, अब आप तैयारी करने लग जाओगे मॉड्यूल 2 की। यानी बर्डन भी नहीं है, अच्छी बात है, धीरे धीरे करके अच्छे अच्छे से पढ़ के हम एग्जीक्यूटिव पास हो जाएंगे। और जिन बच्चों को लगता है कि नहीं नहीं हमारे अंदर कैलिबर है, हम 8 के 8 सब्जेक्ट अपने आप कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है बेटा, इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता, 8 पेपर आप एक बार में साथ में दे दो। और जिसको हम लोग कहते हैं गिविंग बोथ मॉड्यूल्स और सिंगल मॉड्यूल, ये भी कहीं ना कहीं आपने जब रिसर्च करी होगी ना, तो एक ये भी बहुत बड़ी चर्चा आती है सामने, सिंगल मॉड्यूल, बोथ मॉड्यूल। अभी मैंने ना अपने आगे के लेक्चर में इस पूरे पोर्शन का एक सेपरेट सेगमेंट रखा है कि आपकी जिंदगी का जो सबसे बड़ा सवाल होने वाला है वो ये कि हम सिंगल ग्रुप दें, सिंगल मॉड्यूल दें कि बोथ मॉड्यूल दें। डोंट वरी, आई एम गोइंग टू सॉल्व ऑल योर प्रॉब्लम्स टुडे। लेकिन उसके पहले ये जानते हैं कि ये सीएस एग्जीक्यूटिव है क्या। अच्छा,
जब आप सीएस एग्जीक्यूटिव की रिसर्च कर रहे होंगे तो आपको मिले होंगे इसके सब्जेक्ट्स, लेकिन जब आप सब्जेक्ट्स के नाम पढ़ने लग गए तो भाई नाम ही बाउंस करने लग गए, नाम ही नहीं समझ में आ रहे हैं। कुछ कुछ सब्जेक्ट के तो नाम इतने बड़े हैं कि पढ़ते पढ़ते आपको डर लगा कहीं चैप्टर तो नहीं शुरू हो गया। बिल्कुल इसी तरह जो पहला सब्जेक्ट है हमारा वो है JIGL, कहते हैं हम लोग इसको प्यार से, जो होता है ज्यूरिसप्रूडेंस इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉज। ये है हमारा पहला सब्जेक्ट, प्यार से JIGL कह लो, लेकिन इसका जो एक्चुअल नाम है दैट इज ज्यूरिसप्रूडेंस इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉ। जब बच्चे, आपको पता है, एग्जीक्यूटिव में एंट्री लेने के बाद भी रिजल्ट आ गया, एग्जीक्यूटिव में रजिस्ट्रेशन करा लिया, किताबें भी आ गई, पढ़ाई शुरू हो गई, लेकिन बच्चों को पहले सब्जेक्ट का नाम याद करने में एक दो हफ्ता लग जाता है। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, ज्यूरिस ज्यूरिस करते फिरते हैं आप, पूरा नाम एक बार में ले भी नहीं पा रहे हैं। ज्यूरिसप्रूडेंस इतना बड़ा शब्द और ये तो आधा नाम है, ज्यूरिसप्रूडेंस इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉज। ठीक है, ये ज्यूरिसप्रूडेंस का जो हमारा सब्जेक्ट है बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। आई विल ऑल्सो टेल यू द स्ट्रैटेजीज, एवरीथिंग, सारी चीजें, क्योंकि देखो किसी भी एग्जाम को पास करने के लिए ना स्ट्रैटेजी बहुत जरूरी है। अगर आपके पास स्ट्रैटेजी है देन इन दैट केस यू विल बी, इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू क्रैक द एग्जामिनेशन, राइट। जो ये ज्यूरिसप्रूडेंस इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉ है, ये सब्जेक्ट है क्या? आपको पता है बच्चों ज्यूरिसप्रूडेंस का मतलब क्या होता है? ज्यूरिसप्रूडेंस इज लॉ, इंटरप्रिटेशन, लॉ का इंटरप्रिटेशन करना, लॉ को समझना, एंड जनरल लॉ। एक्चुअली हमारा ये सब्जेक्ट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी डिफरेंट लॉ, बहुत सारे अलग अलग एक्ट होते हैं। इनफैक्ट आपको पता है एक दो चैप्टर्स इसमें ऐसे भी हैं जो आपने ऑलरेडी सीएस एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट के लीगल एप्टीट्यूड के सेक्शन में पढ़ रखे हैं। फॉर एग्जाम्पल द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक चैप्टर है। इसके अलावा अलग अलग एक्ट हैं, इतने सारे एक्ट हैं, बिलीव मी वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग एक्ट्स आर ऑल्सो देयर। छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं हम आपको, क्या आपने कभी ऐसा सुना है दफा 302 के तहत या तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए, ये शब्द सुने हैं आपने? यस मैम, आई एम वेरी श्योर आप लोगों ने ये शब्द कोर्ट में नहीं सुने, केस चल रहे हैं आपके, कोर्ट आना जाना होता है। नो, आपने ये सारी चीजें पिक्चरों में सुनी है। अगर आप कभी ध्यान दो तो एक लाइन बोली जाती है आईपीसी की दफा 302 के तहत सच एंड सच सजा सुनाई जाती है। व्हाट इज दिस आईपीसी? आईपीसी स्टैंड्स फॉर इंडियन पीनल कोड। इंडियन पीनल कोड वो एक्ट है जिसमें सारे गुनाहों की सजाएं दी गई हैं। जब कोर्ट, लॉ बहुत इंटरेस्टिंग है, मैंने पहले भी कहा है लॉ में डूबना चाहिए, डूबना पड़ेगा, एंड लॉ इज द मोस्ट एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट एवर। ठीक है, जब हम ये कहते हैं कि भाई अगर देखिए हम लोग क्या बात कर रहे हैं आईपीसी की, इंडियन पीनल कोड, जितनी भी सजाएं हैं वो सारी की सारी सजाएं दी गई हैं आईपीसी में। ये आईपीसी बच्चों को बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है, जहां कहीं क्राइम और सजा और इंप्रिजनमेंट ये सारी बातें आती है ना, वहां आपका इंटरेस्ट लेवल बड़ा अच्छा हो जाता है। तो आईपीसी आपके कोर्स में एक चैप्टर है, जरा सोच के देखिए आज तक वो आईपीसी जिसके बारे में सिर्फ आपने जज के मुंह से सुना है, सजाएं जिनके बारे में सिर्फ आपने टेलीविजन में देखा है, अब आप लीगली उनके बारे में पढ़ने वाले हो। भूल जाओ कोई एग्जाम है, भूल जाओ सीएस है, सब कुछ भूल जाओ, ये सोचो यू विल बी रीडिंग द वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक्स एवर आईपीसी। क्रिमिनल लॉ, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, सिविल प्रोसीजर, ये सारे सिविल लॉ, क्रिमिनल लॉ, इन सब के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे हम लोग, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर्स हैं। स्टैम्प एक्ट, स्टैम्प के बारे में डिस्कशन करेंगे हम लोग, स्टैम्प क्या होती है, स्टैम्प कहाँ देखी है, स्टैम्प पेपर देखा है कभी जिंदगी में? स्टैम्प पेपर, हाँ वो पेपर जिसके ऊपर नोट लगा होता है बच्चों, वो नोट नहीं होता, वो स्टैम्प पेपर होता है। और स्टैम्प पेपर का मतलब होता है स्टैम्प ड्यूटी, स्टैम्प ड्यूटी मतलब होता है टैक्स, ये वो टैक्स है जो हम सरकार को देते हैं, इसका पूरा एक्ट है। आपने देखा होगा कभी भी आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं, प्रॉपर्टी बेचते हैं, कोई भी रियल एस्टेट से रिलेटेड ट्रांजैक्शन होता है तो ये रजिस्ट्री के पेपर्स वगैरह बनते हैं, रजिस्ट्री के पेपर जिसमें स्टैम्प पेपर लगा होता है। ये स्टैम्प क्या होता है? दिस स्टैम्प इज एक्चुअली अ टैक्स विच इज पेड टू द गवर्नमेंट।
That is also one of the lectures, one of the chapters which are covered in this curriculum. Constitution से ज़्यादा interesting दुनिया में तो कुछ है ही नहीं, और constitution के बारे में तो आप पढ़ ही चुके हैं. एक बड़ा interesting act है आपके jurisprudence नाम के subject में, RTI, right to information. राइट टू इंफॉर्मेशन, यस. कई बार आपने न्यूज में या कहीं पर यह जरूर देखा होगा, RTI, राइट टू इंफॉर्मेशन. इसका मतलब हमारा अधिकार है जानकारी लेने का. हम सरकार से किसी भी प्रकार की जानकारी ले सकते हैं. कई बार हम लोग कहते हैं सरकार ने ये नहीं किया, सरकार ने वो नहीं किया, मेरा मन चलता है हम सरकार से पूछें. तो भाई, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट आपको ये अधिकार देता है कि आप सरकार से सवाल पूछ सकें. उसका पूरा मैकेनिज्म पढ़ेंगे आप इसी ज्यूरिसप्रूडेंस के सब्जेक्ट में. सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, एंड बिलीव मी, द मोस्ट एंड द मोस्ट ईजीएस्ट सब्जेक्ट ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स आउट ऑफ द 8 सब्जेक्ट. कुछ चैप्टर्स के बारे में मैंने आपको बताया, ये सिर्फ और सिर्फ बिलीव मी 2-3% है, क्योंकि आज हमें आपको ए टू जेड पढ़ाना है, तो आई वॉन्ट बी एबल टू डिस्कस एवरीथिंग अबाउट इट. बट इफ यू विल गिव मी ना, तो आई विल टेक वन फुल डे टू डिस्कस एवरीथिंग अबाउट ज्यूरिसप्रूडेंस. इट वुड बी वेरी एंड वेरी डिलाइटिंग टू लिसन व्हाट इज द कंटेंट ऑफ ज्यूरिसप्रूडेंस. सबसे अच्छी बात बताए आपको इस सब्जेक्ट की क्या है मैम, सबसे अच्छी बात बताइए. ये सब्जेक्ट पूरा का पूरा थ्योरी सब्जेक्ट है, फुल 100 मार्क्स पेपर है, थ्योरी सब्जेक्ट है. प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल इसमें नहीं आता. पूरा थ्योरी सब्जेक्ट है, पूरा थ्योरी है, पूरा जो भी आपके जैसे थ्योरी सब्जेक्ट स्कूल्स वगैरह में हुआ करते थे, सवाल लगाने वाले न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स इसमें कवर्ड नहीं है. पूरा थ्योरी पेपर है, पूरा मॉड्यूल से पेपर आता है. ठीक है, आप कितने भी नोट्स क्यों ना बना लो, आप कितने भी नोट्स क्यों ना ले लो, आप कोई भी दुनिया भर की किताब ले लो, लेकिन इंस्टीट्यूट का पेपर इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल से ही आता है. मॉड्यूल मतलब समझते हो, इंस्टीट्यूट की बुक. जब आप अपना रजिस्ट्रेशन कराओगे तो इंस्टीट्यूट अपना स्टडी मटेरियल भेजेगा, और इंस्टीट्यूट की एग्जाम के सारे क्वेश्चन, अगर आपको हमारी बात पे विश्वास ना हो, आप क्वेश्चन पेपर लेके बैठिए और इंस्टीट्यूट की बुक लेके बैठिए, एंड यू कैन लाइन बाय लाइन मैच द क्वेश्चंस की हाँ भाई, ये क्वेश्चन इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल से ही दिया है, और जेन्युइन भी है. अगर इंस्टीट्यूट ने अपनी किताब लिखी है तो इंस्टीट्यूट क्वेश्चन पेपर भी अपनी ही किताब से बनाएगा, बट ऑब्वियस है, यस और नो. तो कितने भी नोट्स पढ़ लो, कितने भी नोट्स खरीद लो, कुछ भी कर लो, पेपर तो इंस्टीट्यूट की बुक से ही आना है, ये निश्चित है. आज तक की हिस्ट्री में जितनी बार भी पेपर बना है, इंस्टीट्यूट की बुक के बाहर नहीं आया है. ठीक है, ज्यूरिसप्रूडेंस एक बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, 100 मार्क्स थ्योरी पेपर. सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये सब्जेक्टिव है बच्चों. सब्जेक्टिव का मतलब समझे, हाँ, बहुत हो गया जय माता दी, बहुत हो गया अंधी लगाना. सब्जेक्टिव मतलब इसमें आपको आंसर्स लिखने पड़ेंगे, जैसा आप क्लास 12th में किया करते थे. तो इन द सेम पैटर्न एज यू यूज टू डू इन क्लास 12th. अब वो टिक मार्क या वो वाली चीजें नहीं है, चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन चीज नहीं है, फुल थ्योरी पेपर, सब्जेक्टिव पेपर इन विच यू विल हैव टू राइट डाउन ऑल द आंसर्स, राइट, फाइन. चलो भाई, एक सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस किया, वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस किया. आई होप इसके कंटेंट सुन के आपको मजा आ गया. अच्छा, आईपीसी के बारे में पढ़ेंगे. इनफैक्ट आपको एक छोटी सी बात बताएं, अगर आपको क्राइम पेट्रोल और CID इन सब सीरियल्स में इंटरेस्ट है, और इंटरेस्ट होना हो, आप कभी भी सोनी टेलीविजन या ये सब कुछ भी ओपन करोगे तो बाय डिफॉल्ट आपको ये सीरियल देखने को मिल जाते हैं. तो अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है ना, बड़ा काम आने वाला है ज्यूरिसप्रूडेंस के सब्जेक्ट में. ओके, चलिए नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ मूव करते हैं. हाँ मैम, इसके बारे में थोड़ी जानकारी है. इनफैक्ट सारे सब्जेक्ट्स में यही तो एक सब्जेक्ट था जो हमको एक बार में समझ में आया. कौन सा सब्जेक्ट है ये? ये है कंपनी लॉ. वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, इंटरेस्टिंग तो है ही ऑब्वियसली, क्योंकि आपका कोर सब्जेक्ट है. लेकिन अगर हम कंपनी सेक्रेटरी के नजरिए से सोचें, कंपनी सेक्रेटरी के प्रोफेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें, सो कंपनी लॉ इज ऑब्वियसली द मोस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट ऑफ ऑल. आपका कोर सब्जेक्ट है कंपनी लॉ का. ठीक है, अगर हम इसकी बात करें, कंपनीज एक्ट, आपने CS एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट के लीगल एप्टीट्यूड सेक्शन में एलिमेंट्स ऑफ कंपनी लॉ नाम का आपका एक चैप्टर था. बस वो शॉर्ट में था, यहाँ बहुत लॉन्ग में है, क्योंकि यहाँ इसका पूरा का पूरा एक 100 मार्क्स अगेन पेपर है. अगेन दिस सब्जेक्ट इज ऑल्सो अ थ्योरी सब्जेक्ट. ठीक है, ये भी थ्योरी सब्जेक्ट है. मैम ऑब्जेक्टिव है कि सब्जेक्टिव है बच्चों? ये भी सब्जेक्टिव है. MCQ सिर्फ वो पेपर्स हैं जो प्रैक्टिकल हैं. ठीक है, प्रैक्टिकल के अलावा जितने भी लॉ वाले सब्जेक्ट्स हैं, थ्योरी सब्जेक्ट्स हैं, वो सब सब्जेक्टिव हैं, यानी आपको आंसर लिखने पड़ेंगे. वैसे आपको एक बात बताएं, सब्जेक्टिव होना ज्यादा बेटर है, पता है क्यों? MCQ में तो या तो क्वेश्चन सही है
या तो क्वेश्चन गलत है, स्टेप मार्किंग की गुंजाइश नहीं होती। सब्जेक्टिव पेपर में स्टेप मार्किंग से ही तो आज तक आप पास होते आए हो। एक 5 नंबर का क्वेश्चन है, आपने कुछ भी लिख दिया, अब उस कुछ भी में से थोड़ा बहुत तो सही हो ही जाता है, तो ना 5 में 5 एक या 2 नंबर तो मिल ही जाते हैं। और आपका दिल जानता है कि इसी 1 या 2 नंबर स्टेप मार्किंग की वजह से आप अपने 12th में और 11th में पास हुए, है ना। यस, सो सब्जेक्टिव इज मच बेटर। एमसीक्यू में तो डर है, या तो सही होगा या तो गलत होगा। यस, तो कंपनी लॉ इज ऑल्सो 100 मार्क्स थ्योरी सब्जेक्ट और सब्जेक्टिव पेपर है। तीसरा पेपर अपना SBEC का है, सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटीज एंड क्लोजर। मैम अब आप कहेंगे ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटी इंटरेस्टिंग से ज्यादा यूजफुल है। मतलब मैम, सब्जेक्ट का नाम समझो, बिजनेस एंटिटी को सेटअप करना एंड क्लोजर, शॉर्ट फॉर्म बता दीजिए मैम, SBEC कह लो बच्चों प्यार से, उसको प्यार से वैसे आई कॉल इट ज्यूरिस, ओके ये मेरा अपना है, वैसे सब्जेक्ट का नाम JIGL है, हम प्यार से ज्यूरिस बुलाते हैं और उसको सेटिंग बुलाते हैं, बट देन यू कैन से इट SBEC, सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेस एंड क्लोजर। जरा नाम से समझो, सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेस, बिजनेस एंटरप्राइजेस बनाना और उनको बंद करना। मैम यूज का कैसे है? अच्छा, आप कंपनी सेक्रेटरी बन गए, ठीक है, प्रोफेशनल हो गया, ट्रेनिंग हो गई, कंपनी सेक्रेटरी बन गए, ऑफिस खोल के बैठ गए, ऑफिस में सब हो गया, AC लगवा लिया, चेयर टेबल सब कुछ रेडी हो गया, पहला क्लाइंट आया, ठीक है। जब पहला क्लाइंट आया तो पहले क्लाइंट ने कहा कि भाई आप कंपनी सेक्रेटरी हो, हमको अपनी एक पार्टनरशिप फर्म बनानी है, जरा आप सारे लीगल मैटर्स देख लो कि पार्टनरशिप फर्म कैसे बननी है मेरी, ठीक है। अब आपने उससे कहा अच्छा पार्टनरशिप फर्म, हाँ हमको आता है पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप हैज 2 पार्टनर्स, मिनिमम 2 पार्टनर, ठीक है, पार्टनरशिप में पार्टनर्स की अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, पार्टनरशिप में सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती है। अब क्लाइंट कह रहे भैया ये सब क्या बता रहे हो हमको, हम क्या करें इसका, हमारी पार्टनरशिप फर्म बनवा दो बस, रजिस्टर करा दो। आपने कहा रुको रुको, हम पार्टनरशिप और कंपनी के डिफरेंस भी बता सकते हैं, 5 डिफरेंस तो एकदम रटे हुए हैं हमको। क्लाइंट कह रहे भैया ये सब क्या बातें बता रहे हो, हमको तो बस ये बता दो हम कौन से डॉक्यूमेंट दे दें, मेरी पार्टनरशिप बना दो। आपने कहा नहीं वो तो नहीं आता, क्योंकि वो कहीं किताब में लिखा ही नहीं था, हमें तो ये पता है पार्टनरशिप क्या होती है। हाँ एक बात और पता है, पार्टनरशिप इज एन अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। यस, जितना पार्टनरशिप के बारे में आता था आपने उसको सब सुना दिया, ठीक है। क्लाइंट कह रहे भैया इनको कुछ नहीं आता, हमारा एक काम नहीं कर पा रहे हैं। अगला क्लाइंट आया, उसने कहा कि भैया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनानी है मेरी, ठीक है, हमें एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनानी है, बताओ क्या क्या डॉक्यूमेंट ले आए, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स लगेंगे, मेरी कंपनी बना दो। आप फिर से शुरू हो गए, कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी हैविंग अ परपेचुअल सक्सेशन एंड अ कॉमन सील, शुरू हो गए। आपने ये भी कहा ना विश्वास हो तो सैल्मन वर्सेस सैल्मन भी बता दिए, यस केस प्राइस सैल्मन वर्सेस सैल्मन। क्लाइंट कह रहा है भैया हम क्या करें इसका, हमें नहीं पता, हमें ये बताओ क्या ले आए, आधार कार्ड दे दे, पैन कार्ड दे दे, क्या चीज दे दे, मेरी कंपनी बना दो बस। अब आप कह रहे हैं नहीं कंपनी, हमने तो फीचर्स पढ़े हैं कंपनी के, कहो तो एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी सुना दे। तो भाई ये भी पढ़ना तो जरूरी है कि बिजनेस एंटिटी को बनाया कैसे जाए, और बना रहे हो तो बंद करने का लीगल प्रोसीजर क्या होगा। आपको पता है एज अ कंपनी सेक्रेटरी यू विल बी एक्टिंग एज अ लीगल एडवाइजर, आप लीगल एडवाइजर की तरह काम करोगे। किसी की कंपनी है, वो अपनी कंपनी बंद करना चाह रहा है, शट डाउन करना चाह रहा है, अब वो आपके पास आया और आपसे कह रहे कि भैया हम अपनी कंपनी बंद करना चाह रहे हैं, बताओ क्या क्या कानूनी कार्रवाई होगी, बताओ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, प्रोसीजर क्या होगा। तो आपको तो प्रोसीजर आना चाहिए ना, आप उसको डेफिनेशन थोड़ी सुनाओगे, डिफरेंसेस थोड़ी ना सुनाओगे। क्या अब आपको मेरे इस सब्जेक्ट का मतलब समझ में आया, सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेस एंड इट्स क्लोजर। इस सब्जेक्ट में ये बताया जाएगा कि अलग अलग तरीके की बिजनेस एंटिटीज, चाहे वो सोल प्रोप्राइटर हो, पार्टनरशिप हो, कंपनी हो, NBFC नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हो, या आपकी छोटा सा रेस्टोरेंट हो, या आपकी एक छोटी सी मेडिकल शॉप हो, या आपका कोई छोटी सी दुकान हो, उस बिजनेस एंटिटी को बनाने का प्रोसीजर क्या होगा और उनको बंद करने के प्रोसीजर क्या होंगे। एंड बिलीव मी, जब आप कंपनी सेक्रेटरी बनोगे ना, सबसे पहला काम आपके पास यही आएगा, कंपनी बना दो, पार्टनरशिप फर्म बना दो। आपका एक दोस्त आ गया, दोस्त ने कहा भैया हम सोच रहे रेस्टोरेंट खोल लें,
ठीक है, क्योंकि तुम कंपनी सेक्रेटरी हो, तो जरा बताओ रेस्टोरेंट के लिए क्या क्या लगेगा। आपने कहा रेस्टोरेंट के लिए एक काम करो, एक किचन रख लो, एक कुक रख लो, खाने पीने की चीजें खरीद लो। वो कह रहा है ये तो हम कर लेंगे, लीगल फॉर्मेलिटी तो बताओ क्या लगेगा। आपने कहा अच्छा रेस्टोरेंट जैसा तो कुछ पढ़ा नहीं हमने। पढ़ा कहाँ पढ़ा? सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेस एंड इट्स क्लोजर। इंस्टीट्यूट ने सारे सब्जेक्ट सोच के समझ के रखे हैं। आप सोच के देखो, जब आप ये सारा कंटेंट पढ़ लोगे, आपका वैल्यू एडिशन कितना हो जाएगा। यू विल बी नोइंग एवरीथिंग, ये सारी चीजों के मास्टर्स बन जाएंगे आप। सो वेरी वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। मैम अच्छी बात बताइए, अच्छी बात अच्छी लगती है बेटा, सबसे अच्छी बात इसकी यही है, फुल थ्योरी 100 मार्क्स सब्जेक्टिव। अच्छा मैम, इसका मतलब अभी तक देखा जाए ज्यूरिसप्रूडेंस भी थ्योरी था, कंपनी लॉ भी थ्योरी था, सेटिंग अप भी थ्योरी था। हाँ बेटा, चौथे सब्जेक्ट की तरफ नजर डालते ही आपको थोड़ा डर लगा। मैम टैक्स से तो बहुत डर लगता है। कैसे डर लगता है? जो सब्जेक्ट आपने कभी जिंदगी में पढ़ा ही नहीं उससे डर कैसा? जब पढ़ोगे तब डर लगेगा ना, अभी कहां से डर लगने लग गया। टैक्स एक प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी आप कह सकते हो, लेकिन टैक्स की जो सबसे अच्छी बात है, टैक्स के बारे में आई डोंट थिंक आई नीड टू इलैबोरेट। आपको पता है टैक्स का मतलब क्या होता है। तो टैक्स की जो एक सबसे डिफरेंट बात है वो ये कि ये पेपर एमसीक्यू होगा। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा प्रैक्टिकल आया लेकिन वही एमसीक्यू डाल दिया इंस्टीट्यूट ने। इंस्टीट्यूट ने कहा लॉ के तुम लोग मास्टर्स बनोगे तो लॉ में पूरी डिटेल जानकारी रखो। हाँ टैक्स भी एक तरीके का लॉ है, टैक्स के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए, लेकिन इस पेपर को एमसीक्यू रखा गया है जिसमें डायरेक्ट टैक्स भी है, इनडायरेक्ट टैक्स भी है, लेकिन एमसीक्यू के साथ साथ इस मीठी सी टॉफी के साथ एक कड़वी सी दवाई भी है। वो क्या है मैम? दवाई ये है बेटा कि इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी -0.25 की। मतलब अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करोगे तब आपका 1 नंबर डिडक्ट हो जाएगा। आ गई बात समझ में? ये था हमारा मॉड्यूल 1। हमने आपको बताया मॉड्यूल 1 के कंटेंट के बारे में, ठीक है। मॉड्यूल 2 के बारे में भी मैम थोड़ा सा बता दीजिए, हालांकि अभी मॉड्यूल 2 के बारे में सोच रहे नहीं हैं हम, लेकिन आप थोड़ा सा बता देंगे तो हमें अच्छा लगेगा। ठीक है बेटा, कंटेंट के बारे में पता होना बहुत जरूरी, कम से कम ये तो पता हो आपके सब्जेक्ट कौन कौन से। किसी ने आपसे पूछ लिया अच्छा सीएस एग्जीक्यूटिव में आगे कौन कौन से सब्जेक्ट है, नाम ही नहीं बोल पा रहे हैं, 3 दिन तक प्रैक्टिस कर रहे हैं, ज्यूरिस करते रह गए, नाम बोलने में दिक्कत हो रही, तो भाई नाम तो याद करके रख लो, है ना। पहला है कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग को आप प्यार से क्या बोलते हो पता है? अकाउंट्स। जो आपके अकाउंट्स है ना उसी का ही कुछ पोर्शन है इसमें अकाउंट्स। हाँ प्रैक्टिकल है ये, पूरी तरह से प्रैक्टिकल है, कुछ थ्योरी क्वेश्चंस भी आते हैं, बट दिस इज अ प्रैक्टिकल पेपर। और आपको पता है प्रैक्टिकल होगा तो एमसीक्यू होगा और एक कड़वी दवाई के साथ होगा, यानी कि नेगेटिव मार्किंग होगी कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में। ठीक है, अकाउंट्स का पोर्शन है ये। मैम अगला सब्जेक्ट क्या जो हम सोच रहे हैं वही है? हाँ बच्चों, सिक्योरिटीज लॉ एंड कैपिटल मार्केट। शेयर मार्केट से रातों रात लोगों को अमीर बनते देखा होगा, म्यूचुअल फंड के एड जरूर सुने होंगे और स्टॉक एक्सचेंज के बारे में न्यूज जरूर पढ़ी होगी। यस, सेंसेक्स के बारे में न्यूज़पेपर में जरूर देखा होगा, निफ्टी के बारे में भी कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा। ये सारी बातें जब हम कर रहे हैं, हम कौन से सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं सिक्योरिटीज लॉ एंड कैपिटल मार्केट की। कई लोगों का बड़ा इंटरेस्ट होता है शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करो, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो, शेयर मार्केट से रातों रात अमीर बन गए। हाँ कुछ लोगों का हार्ट अटैक भी आ जाता है, तो एवरी कॉइन हैज टू फेसेस, बट देन इस फील्ड में इंटरेस्ट बड़ा होता है लोगों का। आप लोगों में से बहुत सारे लोग होंगे जिनको शेयर मार्केट में इंटरेस्ट होगा, जिन लोगों ने सेंसेक्स की न्यूज सुनी होगी। आपको पता है रियलिटी क्या है? आपने म्यूचुअल फंड के बारे में सुना है, क्या सुना है पता है? म्यूचुअल फंड ना सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट केयरफुली। वो भी क्यों सुना है पता है? इस एक्साइटमेंट में कि वो बोलता क्या है। पहले वो बड़ी जल्दी जल्दी बोल जाता था, तो यू वर नॉट एबल टू एनालाइज कि वो क्या बोल रहा है। अब उसने अपनी स्पीड कम करी तो आप इस बात से ही खुश हैं कि हमको समझ में आ गया वो क्या बोलता है। ना पहले आपने ये जानने की कोशिश करी कि म्यूचुअल फंड क्या होते हैं, ना अब आपको इस बात से कोई मतलब है कि म्यूचुअल फंड क्या होते हैं। बट नाउ माय फ्रेंड, कंपल्सरली आपको ये पता करना पड़ेगा कि म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, क्योंकि अब ये आपके कोर्स क्यूरिकुलम का एक पार्ट है। शेयर मार्केट, शेयर ट्रेडिंग कैसे होती है, स्टॉक एक्सचेंज में शेयर की खरीद बेच कैसे होती है, द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट। इनफैक्ट अगर आपको पैसा कमाने वमाने में थोड़ा इंटरेस्ट हो ना, तो ये सिक्योरिटीज लॉ एंड कैपिटल मार्केट का पेपर आपको बड़ा इंटरेस्टिंग करेगा।
ठीक है। बट एक चीज ध्यान रखना, ये पेपर है तो थ्योरी बच्चों, ठीक है थ्योरी है इंटरेस्टिंग, लेकिन थोड़ा सा टफ होता है, ठीक है, क्योंकि शेयर मार्केट से ये चीजें आपके नॉर्मल लाइफ से रिलेटेड नहीं है। जैसे अगर हम आपसे कहते हैं कंपनी, तो आप इमेजिन कर सकते हो हाँ भाई ये कंपनी है, लेकिन अगर हम कहें कि शेयर ट्रेडिंग हो रही है, स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू खरीद बेच हो रही है, सब कुछ हो रहा है, तो आपके लिए उसको इमेजिन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। तो आई विल ट्राई टू मेक ऑल द थिंग्स एज रियल एज पॉसिबल, ठीक है। तो सिक्योरिटीज लॉ एंड कैपिटल मार्केट थ्योरी पेपर है, सब्जेक्टिव है बच्चों, 100 मार्क्स का फुल पेपर, यानी इसमें ये थ्योरी पेपर हो गया 6। इकोनॉमिक बिजनेस एंड कमर्शियल लॉ, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, इकोनॉमिक बिजनेस एंड कमर्शियल लॉ में भी हम लोग लॉ के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन वो लॉ जो हमारी इकोनॉमी, जो हमारे बिजनेस, जो हमारे कॉमर्स से रिलेटेड है। सीएस एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट में आपने एक लॉ पढ़ा है जो इसमें फिर से कॉमन आ जाएगा, एंड दैट वाज द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। सीएस एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट में भी आई टोल्ड यू कि ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है जो एग्जीक्यूटिव तक आपका साथ निभाएगा, यहां पर भी है। इसके अलावा बड़ी इंटरेस्टिंग एक्ट, एक इंटरेस्टिंग सा एक्ट बताएं आपको जो आप इसमें पढ़ोगे, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। मैम मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है बच्चों? लॉन्ड्रिंग क्या होता है? लॉन्ड्रिंग का मतलब होता है सफाई करना। मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब क्या होता है? पैसों की सफाई करना। ये कैसी सफाई है? ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करना। सुना है कभी एक नंबर की कमाई, दो नंबर की कमाई? यस, ब्लैक मनी एंड व्हाइट मनी। अच्छा मैम, हम लोग इस चैप्टर में ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करना सीखेंगे? हमेशा गलत बात सीखो बेटा, हम लोग सीखेंगे उसको रोका कैसे जाए। लेकिन हाँ, रोकने के लिए ये तो सीखना ही पड़ेगा कि ब्लैक मनी व्हाइट मनी में कन्वर्ट कैसे होता है। जितना भी ये धांधली होती है, आपने कितने सारे लोग सुने हैं इंडिया में वो गलत काम करते हैं, फ्रॉड करते हैं, दूसरी कंट्री में भाग जाते हैं, ये सब कहीं ना कहीं इनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग के केस चलते रहते हैं। इस एक्ट में आप स्पेसिफिकली पढ़ोगे व्हाट इज लॉन्ड्रिंग ऑल अबाउट। बहुत इंटरेस्टिंग एक्ट है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, जब एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है, उसकी लीगल फॉर्मेलिटीज क्या होती है, क्या क्या इंप्लीकेशंस इन्वॉल्व होते हैं। कॉम्पिटिशन एक्ट सबसे इंटरेस्टिंग, एक सेपरेट पोर्शन है इसका कंपटीशन एक्ट का। कंपटीशन एक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि भाई अगर कंज्यूमर के कंज्यूम, एक और एक्ट है इसमें कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, अगर इन दोनों एक्ट की हम बात करते हैं, क्या आपने कभी सुना है जागो ग्राहक जागो? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट यानी अगर कंज्यूमर के साथ कुछ गलत हो रहा है तो वो कंज्यूमर कहां जाए, कौन सा दरवाजा खटखटाए? कॉम्पिटिशन एक्ट, अगर दो कंपनी मिलके मोनोपोली बना ले, रिलायंस जियो, आपने देखा जियो के आने से ये टेलीफोन कंपनी थर थर कांपने लग गई, बेचारी मर्जर कर रहे करते फिरते घूम रहे हैं, जो एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हुआ करते थे आज वो मर्जर कर रहे हैं और अपने आप को मार्केट में सस्टेन करने की कोशिश कर रहे हैं। जरा सोच के देखो, अगर ये बाकी सारी टेलीकॉम कंपनीज मार्केट छोड़ के चले जाएं और रिलायंस जियो की मोनोपोली हो जाए, आपको लगता है रिलायंस जियो तब भी इतने सस्ते रेट में इंटरनेट प्रोवाइड करेगा? Absolutely not. ये ना हो, ये देखने के लिए कॉम्पिटिशन एक्ट बनाया गया है। एंड द वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन ऑफ दिस होल सब्जेक्ट इज फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, दैट इज फेमा। फॉरेन ट्रांजैक्शंस, जहां भी हमारी ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी हो रही है, और इस ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी में बिलीव में आप जिस भी कंपनी में जाओगे ना, वो कंपनी फॉरेन ट्रांजैक्शंस जरूर कर रही होगी, और अगर आप किसी भी प्रकार का फॉरेन ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो वहां पर फेमा की एप्लीकेबिलिटी होगी, और आप क्योंकि कंपनी सेक्रेटरी होगे, देन यू शुड बी हैविंग नॉलेज ऑफ फेमा। और ये फेमा की नॉलेज आपको कहां मिलेगी? इकोनॉमिक बिजनेस एंड कमर्शियल लॉ। हम आज आपको सिर्फ ये नहीं बता रहे हैं कि आप इस पेपर में पास कैसे होंगे, हम आपको ये बिल्कुल नहीं बता रहे हैं कि पास होने के लिए क्या करना है, हम आपको ये बता रहे हैं कि ये सब जानना आपके लिए कितना जरूरी है। क्या आप इमेजिन कर सकते हो जिन सब्जेक्ट के बारे में जस्ट सुन के आपको इतनी मजा आ रही है, आपको इतना इंटरेस्ट आ रहा है, उनके बारे में जब आप डिटेल में पढ़ोगे तो आपको कितना इंटरेस्टिंग लगेगा, और सब कुछ होने के बाद आपकी नॉलेज अपग्रेडेशन कितनी हो जाएगी, आपकी वैल्यू एडिशन कितनी हो जाएगी। सो दिस इज आर इकोनॉमिक बिजनेस एंड कमर्शियल लॉ, फुल थ्योरी पेपर, 100 मार्क्स, सब्जेक्टिव, अगेन ये भी थ्योरी पेपर है। और जो आखिरी पेपर आपका है वो है फाइनेंशियल एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, जो कि दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्रैक्टिकल है, आते इसमें भी थोड़े बहुत थ्योरी क्वेश्चन है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट थ्योरी है, लेकिन बच्चों ये पेपर आपका MCQ है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विद नेगेटिव मार्किंग।
ठीक है। तो अगर आप पूरा सिनेरियो देखो तो पेपर वन में, सॉरी मॉड्यूल वन में पेपर वन टू एंड थ्री थ्योरी है, फोर्थ वाला प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी है, और अगर आप मॉड्यूल टू देखोगे तो कॉर्पोरेट मैनेजमेंट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट छोड़ के बाकी सारे थ्योरी पेपर्स हैं, ठीक है, फाइन। अभी तो मैंने सिर्फ आपको ये बताया है कि ये पेपर क्या है, ठीक है। हम आपको जब आप धीरे से अपनी पढ़ाई स्टार्ट करोगे तो जो सबसे पहली क्लास होती है ना उसमें मैं आपको क्या बताती हूँ पता है, मैं आपको बताती हूँ स्ट्रैटेजी, पास होने की दवाई। मैम एक दवाई दे दीजिए खा ले पास हो जाएं, बस बेटा पहली क्लास में मिली है, पहली क्लास में आई एम गोइंग टू टेल यू द स्ट्रैटेजी हाउ टू पास। एक तरीका होता है बुक खोलो और पढ़ो, एक तरीका होता है हार्ड वर्क, एक तरीका होता है स्मार्ट वर्क। हार्ड वर्क तो ठीक है बच्चों, थोड़ा स्मार्ट वर्क भी जरूरी है, बिना स्मार्ट वर्क के आप एग्जाम क्लियर नहीं कर पाओगे। तो वो स्ट्रैटेजी क्या है, वो दवाई क्या है, वो छिपा हुआ है इन्हीं आठ पेपर्स के अंदर, एंड दैट आई एम गोइंग टू डिस्क्लोज यू इन द वेरी फर्स्ट क्लास ऑफ योर सेशन, ठीक है। लेकिन अभी क्योंकि हम ए टू जेड बातें कर रहे हैं सीएस एग्जेरिव की, तो चलो आगे बढ़ते हैं और आपको कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में फटाफट से बता देते हैं, कुछ एनुअल कैलेंडर की बात करते हैं। मैम कई जगह हम लोग ने डेट्स देखी, बड़ा कंफ्यूजन हो रहा था, रजिस्ट्रेशन कराना है, कहीं रजिस्ट्रेशन होता है, कहीं एग्जाम डेट होती है। तो पहली चीज तो हम आपको बता दें, दो डेट्स होती हैं बच्चों, एक डेट होती है एनरोल कराने की, या यू कैन से रजिस्टर कराने की, जिसमें आप आईसीएसआई में रजिस्टर कराते हो, और एक डेट होती है एग्जाम फॉर्म फिलअप करने की। ये दो अलग अलग डेट हैं। आप लोग ने कई बार अगर इंटरनेट में या कहीं पर भी देखा होगा तो आप कई बार कंफ्यूज हो रहे होगे, मैम कहीं पर ये दिया है कहीं पर ये दिया है, मैं समझ नहीं आ रहा क्या है, ठीक है। तो एक डेट होती है एनरोल करने की, एक डेट होती है एग्जाम फॉर्म फाइलिंग की। अभी सीएस एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट में आपका एक ही था एनरोलमेंट डेट, लेकिन अब एग्जीक्यूटिव में एक डेट होगी जिसके थ्रू आप एग्जीक्यूटिव कोर्स में एनरोल कराओगे, और दूसरी डेट होगी जो होगी आपकी पढ़ाई करने के बाद एग्जाम फॉर्म की डेट, यानी जब आप एग्जाम फॉर्म भरोगे और एग्जाम फॉर्म भरने के बाद आप एग्जाम देने के लिए एलिजिबल होगे, ठीक है। तो अभी हम जो फोकस कर रहे हैं आपके लिए अभी जो जरूरी है वो है एनरोलमेंट डेट, कि आईसीएसआई में हम कब तक रजिस्ट्रेशन कराएं, ठीक ना। जून अटेम्प्ट एंड दिसंबर अटेम्प्ट दोनों लिखी है हमने, लेकिन आपके लिए फिलहाल जून अटेम्प्ट है, तो हम जून पे ज्यादा फोकस करने वाले हैं। जून अटेम्प्ट का मतलब अगर आज से अगर आप देखो तो जून 2020-21, ठीक है, 2021 इज योर अटेम्प्ट, जून में आपका एग्जीक्यूटिव का एग्जाम होगा। अब ये कह रहे हैं एनरोलमेंट एट आईसीएसआई फॉर अपियरिंग बोथ मॉड्यूल्स इन जून। हमने आपको बताया कि आपके पास ऑप्शन है, आप चाहो तो बोथ मॉड्यूल दे दो, आप चाहो तो सिंगल मॉड्यूल दे दो, इंस्टीट्यूट कह रहा है तुम्हारी मर्जी है, तुम्हारी कैपेबिलिटी, अगर तुम चाहो तो आठ के आठ पेपर साथ में दे दो, अगर तुम चाहो तो चार पेपर जून में दे देना और चार पेपर अगले दिसंबर में दे देना। तो अगर जो बच्चे एक मॉड्यूल का टारगेट कर रहे हैं उनका एग्जाम कैसे होगा मैं आपको बता दूं, अगर आप एक मॉड्यूल टारगेट कर रहे हो तो जून 2021 में, यानी जो आने वाला जून है उसमें आप एक मॉड्यूल दोगे यानी चार पेपर, ठीक है, और अगला दिसंबर जो आएगा उसमें आप दोगे अगले चार पेपर। कौन सा मॉड्यूल पहले देना है ये आपके ऑप्शन पे, आप चाहो तो मॉड्यूल वन पहले दो, आप चाहो तो मॉड्यूल टू पहले दो, दैट इज कंप्लीटली ऑप्शनल, ठीक है। एलिजिबिलिटी की बात हम करें, अगर आप 30 नवंबर तक करा लेते हो, प्रीवियस ईयर का मतलब समझे, प्रीवियस ईयर जरा समझो, थोड़ा डिटेल में समझा दें हम आपको। आपका एग्जाम है बच्चों जून 2021, ठीक है, इसके लिए कह रहे हैं अगर आपने नवंबर ऑफ द प्रीवियस ईयर, देखिए क्या लिखा है, 30th नवंबर ऑफ द प्रीवियस ईयर, बताओ 2021 का प्रीवियस ईयर कौन सा हुआ, नवंबर 2020, नवंबर 2020 का मतलब समझ गया, अभी जो इस साल जो नवंबर पड़ेगा, समझ आया, तो वो प्रीवियस ईयर का मतलब हो गया। अगर आप 30 नवंबर इस साल, कुल मिला के मुद्दे की बात समझो, अगर आप अभी नवंबर 30 नवंबर 2020 तक अपना रजिस्ट्रेशन आईसीएसआई में करा लेते हो तो आप जून में बोथ ग्रुप देने के लिए वेरी इंपॉर्टेंट एलिजिबल हो जाओगे, एलिजिबिलिटी बन जाएगी, इंस्टीट्यूट आपको हाथ पकड़ के लेके नहीं जाएगा कि जबरदस्ती दो, आप एलिजिबल हो जाओगे, यानी अब आपके पास ऑप्शन आ गया, आप चाहो तो बोथ ग्रुप दो, आप चाहो तो सिंगल ग्रुप दो, ठीक है। और ये आपको डिसाइड कब करना होता है, ये आपको डिसाइड करना होता है जब आप एग्जाम फॉर्म भरोगे, और एग्जाम फॉर्म आपको पता है आपके एग्जाम के दो महीना पहले भरा जाता है,
पूरी बात अभी हम बताएंगे डिटेल में, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होनी। सबसे पहले ये देखना है कि आपको रजिस्ट्रेशन कब तक कराना है। तो अगर आज आपका रिजल्ट आया है, आप आज अगर रजिस्ट्रेशन करा लोगे ICSI में CS एग्जीक्यूटिव का, एग्जाम फॉर्म नहीं भर सकते, आप पहले एनरोल कराओगे, रजिस्टर कराओगे, तो आप बाय डिफॉल्ट एलिजिबल हो जाओगे 30th November, सॉरी आप एलिजिबल हो जाओगे जून अटेम्प्ट में बोध ग्रुप देने के लिए, ठीक है। और अगर आपने 31st January, आप बताओ सेम ईयर का मतलब क्या हुआ, यानी अगले साल, बिल्कुल साल के हिसाब से लेके चलिए, अगर अभी नवंबर तक आपने कर लिया तो आपको बोथ मॉड्यूल मिल जाएंगे जून में, लेकिन अगर आपने 31 जनवरी तक कराया तो आप बोथ मॉड्यूल की एलिजिबिलिटी खो बैठेंगे और आप जून में सिर्फ और सिर्फ एक मॉड्यूल दे पाओगे, यानी चार पेपर, कोई भी एक मॉड्यूल, ठीक है। तो अब देखो इसका कंक्लूजन समझो क्या हुआ। अगर आप फर्स्ट सिचुएशन, आप कंफर्म है कि आपको बोथ मॉड्यूल देने हैं, यू आर 100% श्योर कि आपको बोथ मॉड्यूल देने हैं, 30 नवंबर के पहले रजिस्ट्रेशन करा लो। अगर आपको अभी तक की मेरी बात ना समझ में आई हो तो जो हम अब बोल रहे हैं ना कंक्लूजन, उसको ध्यान से सुन लो। अगर आप कंफर्म हो कि हमें बोथ मॉड्यूल देने हैं, कि मैम हम तो 8 पेपर ही निकाल के रहेंगे, बड़ा कैलिबर है हमारे अंदर, बहुत अच्छी बात है, 30 नवंबर के पहले ICSI में रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। अगर आप 100% कंफर्म हो, मैम हमसे तो नहीं हो पाएगा, हम एक एक करके देंगे, सिंगल ग्रुप देंगे, आपके पास रजिस्ट्रेशन कराने का समय है 31 जनवरी तक। 31 जनवरी निकल गया ना तो जून में कुछ नहीं मिलेगा आपको, ओके। तीसरी कैटेगरी, आई थिंक आप सब लोग तीसरी कैटेगरी में होंगे, मैम समझ नहीं आ रहा, एक ग्रुप दें दो ग्रुप दें कुछ नहीं समझ में आ रहा, बेस्ट ऑप्शन बताएं बेटा, 30 नवंबर के पहले रजिस्ट्रेशन करा के एलिजिबिलिटी ले लो, उसके बाद में डिसाइड करना हमें एक देना है दो देना है, पढ़ने के बाद सोचना क्या करना है, दैट इज द बेस्ट ऑप्शन, ठीक है। क्योंकि मान लीजिए आपने 30 नवंबर तक रजिस्टर नहीं कराया, अब आपकी एलिजिबिलिटी खत्म हो गई जून में बोध ग्रुप देने की, ठीक है, एलिजिबिलिटी खत्म हो गई, लेकिन आपका मन बड़ा हो गया, आपने कहा कि नहीं नहीं हम तो बोध देना है, अब नहीं दे सकते बोध, ठीक है। बेस्ट ऑप्शन ये है 30 नवंबर के पहले, फीस में कोई डिफरेंस नहीं है, चाहे आप सिंगल कराओ बोध कराओ, अल्टीमेटली सेकेंड ग्रुप भी तो करोगे ही ना, रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर सेम है, ठीक है, फाइन, फीस में भी कोई ऐसा एज सच डिफरेंस नहीं है, एग्जैक्टली सब कुछ सेम है। तो अगर आप 30 नवंबर तक करा लेते हो तो आपके हाथ में ऑप्शन रहेगा, आप चाहो तो बोध दो, आप चाहो तो सिंगल दो, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है कि भैया बोध का कराए तो बोध ही देना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। और ये डेट्स जो है वो दिसंबर के लिए हैं, सिमिलरली एक बार रीड कर ले रहे हैं, वैसे आपके लिए तो जून अटेम्प्ट एप्लीकेबल है, लेकिन हम दिसंबर पढ़ के बता दे रहे हैं। 31st में अगर सेम ईयर उसी साल 31st में तक कराओगे तो आपको दिसंबर में बोथ मॉड्यूल मिल जाएंगे, और अगर आप 31 जुलाई तक कराओगे तो आपको दिसंबर में सिर्फ एक मॉड्यूल देने की एलिजिबिलिटी होगी। आ गई बात समझ में? अगर आपको मेरी ये बातें ना समझ में आई हो तो आप एक बार रिवाइंड कर लेना, आप एक बार आराम से सुन लेना, तब भी ना समझ में आई हो तो प्लीज फील फ्री टू आस्क एनी टाइप ऑफ क्वेरी फ्रॉम मी, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू डिस्कस एनी ऑफ योर डाउट्स, ठीक है। चलो मैम बाकी सब तो समझ आ गया, रजिस्ट्रेशन तो हम करवा लेंगे, लेकिन हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा है, समझ में आज तक ये नहीं आया बोध ग्रुप करें कि सिंगल ग्रुप करें। जिससे भी बात करते हैं, जिन सीनियर से बात करते हैं, मैक्सिमम यही बोलते हैं कि बोध नहीं हो पाएगा, सिंगल ही करो, दो नहीं कर पाओगे, एक एक करके ही करो। लेकिन हमको समझ नहीं आता, हमें तो अपने ऊपर बड़ा कॉन्फिडेंस है, हमें तो लगता नहीं नहीं हम सारे पेपर एक साथ निकाल लेंगे, CS जल्दी से बन जाएंगे। मैम ये समझ नहीं आ रहा बोध करें सिंगल करें, पहली चीज तो आपको अभी से ये सोचने की कोई जरूरत ही नहीं है, चुपचाप अपना रजिस्ट्रेशन कराओ, ठीक है। जैसे ही आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया, ठीक है, अब जैसे मैं आपको एक चीज और बताती हूँ, आपकी रजिस्ट्रेशन की डेट है 30th November, 30th November के पहले आपको रजिस्ट्रेशन कराना है, और एग्जाम फॉर्म भरने की जो डेट होती है ना वो होगी आपकी 25th March, ठीक है, और आपके एग्जाम की जो डेट है, ये एग्जाम फॉर्म की डेट है, ठीक है, एग्जाम की जो डेट है वो है आपकी जून। इसका मतलब फाइनली आपको एक ग्रुप देना है कि दो ग्रुप देना है, ये आपको मार्च तक डिसाइड करना है। तो अभी से टेंशन क्यों ले रहे हो, मार्च तक सोच लेंगे एक ग्रुप देना है बोथ ग्रुप देना, अभी से टेंशन लेने का क्या मतलब है। और वैसे भी आपको एक बात बताएं, आपको सिंगल ग्रुप देना है बोथ ग्रुप देना है, इसका डिसीजन कोई और नहीं ले सकता। आप रोटी कितनी खाते हैं रात में किससे पूछते हैं, दोस्तों को फोन करते हैं, भाई आज तुमने कितनी खाई और तुम्हारे हिसाब से आज हमें कितनी खानी चाहिए। भाई जिसको जितनी भूख है वो उतनी रोटी खा ले, जो जिसका जितना कैलिबर है वो उस हिसाब से अपीयर कर ले, कोई कंपैरिजन नहीं है, किसी से कंपटीशन नहीं है। बेस्ट तरीका ये होता है
कि आप पढ़ के देखो, ठीक है, मॉड्यूल वन पढ़ो, थोड़ा सा मॉड्यूल टू पढ़ो, ठीक है। जैसे ही आप मॉड्यूल टू पढ़ना शुरू करेंगे, अगर आपको लगा कि भैया 8 सब्जेक्ट हमसे नहीं हो पा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, मार्च में आप ये डिसाइड कर लो मैं एक ग्रुप देना है। और अगर आपने दोनों ग्रुप पढ़े, आपने कहा दिक्कत तो नहीं हो रही है, पता नहीं सीनियर्स क्यों कह रहे हैं, हम तो 8 सब्जेक्ट बड़े आराम से मैनेज कर रहे हैं, तो ठीक है बोथ ग्रुप दे दो। यानी नवंबर में आप अपनी पढ़ाई शुरू करो, बोथ ग्रुप की पढ़ाई शुरू करो। पहले सिंगल ग्रुप से शुरू करेंगे, फिर हम लोग धीरे से सेकेंड मॉड्यूल स्टार्ट करेंगे, ठीक है, ताकि बर्डन कम पड़े। और जब आपको ये फाइनली लगे, आपके पास मार्च तक का समय है डिसाइड करने के लिए, आपको लगा भैया हमसे बर्डन नहीं हो पा रहा, कोई बात नहीं, जैसे ही आपको लगा बर्डन नहीं हो पा रहा है, सेकेंड ग्रुप या जो भी ग्रुप आप चाहो वो छोड़ दो, एक ग्रुप को कंटिन्यू करो, मार्च में एग्जाम फॉर्म भर दो एक ग्रुप का, और जून में एग्जाम दे दो। जैसे ही जून में एग्जाम हो जाए, अगले दिन से क्लासेस फिर से पढ़ने लग जाओ मॉड्यूल टू की, ठीक है, कोई कंफ्यूजन ही नहीं, ओके। तो देखो एक छोटा सा हमने आपके सामने फैक्ट्स रखे हैं, जिससे शायद आपकी तकलीफ को हम थोड़ा सा कम कर सके। देयर आर सर्टेन फैक्ट्स, द डिसीजन फॉर बोथ और सिंगल ग्रुप इज टू बी टेकन एट द टाइम ऑफ फिलिंग एग्जाम फॉर्म। ये तो बता दिया हमने, क्या होती है डेट एग्जाम फॉर्म की, 25th मार्च जून अटेम्प्ट के लिए और 25th सितंबर दिसंबर के लिए। फिलहाल यू आर कंसर्न्ड ओनली एंड ओनली विद दिस जून अटेम्प्ट, आप जून अटेम्प्ट के लिए कंसर्न है, 25 मार्च के लिए कंसर्न है। यानी कि आपको एक ग्रुप देना है, दो ग्रुप देना है, इसका फाइनल फैसला आपको करना होगा 25 मार्च तक। तो जब 25 मार्च तक फैसला करना है, तो अभी इसे टेंशन लेने की किसी प्रकार की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है, फाइन। मैम कैसे पढ़ेंगे, बोथ ग्रुप शुरू कर देंगे, हमें तो बड़ा डर लग रहा है। कोई नहीं, हमारा एक छोटा सा प्लान है, प्रोसीजर है, ठीक है, उसके हिसाब से देखिए। अभी आप सीएस एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट से आए हो, 3 महीने का छोटा सा कोर्स था, एमसीक्यू था, तो आप बड़ा लाइट वे में, शायद कुछ बच्चे 2 घंटे पढ़ते होंगे, 1 घंटे पढ़ते होंगे, कुछ बच्चों ने हवा हवा में निकाल लिया, अंधी लगा दी, काम हो गया, दिन अच्छा था, लक अच्छा था, ठीक है। बट नाउ यू विल हैव टू बी वेरी सीरियस, ठीक है। तो हमारी स्ट्रेटजी ये रहती है कि हम लोग इनिशियली 2 सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं, ठीक है, इसलिए क्योंकि अगर हमने चारों इकट्ठा शुरू कर दिए, तो आप ये कोर्स छोड़ के ही ना भाग जाएं, भैया इतना बर्डन नहीं हो पा रहा, हम तो पहले 1 घंटा पढ़ते थे, अब 3 घंटे तो हमारी क्लास ही होती है, ठीक है। तो पहले हम लोग 2 सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं, जब आप उन 2 सब्जेक्ट में थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाते हो, कम से कम उन सब्जेक्ट का नाम आपको याद हो जाता है, जैसे अभी हम आपको याद करा रहे थे ज्यूरिस सेटिंग, है ना, 10-15 दिन बाद when you are comfortable with 2 subjects, we will start another 2 subjects of your module 1. शुरू हो गया module 1, चारों शुरू हो गए, ठीक है, एकदम से चारों नहीं शुरू करेंगे, वरना वो बर्डन आप बेयर नहीं कर पाओगे। वी विल इनिशियली स्टार्ट विद module 1। हर चीज की स्ट्रेटजी है, हर चीज की प्लानिंग है, आपके अगले 9 महीने का एक एक दिन हमने प्लान करके रखा हुआ है, और इसी स्ट्रेटजी के हिसाब से नेशनल रैंक्स आती हैं। आई बात समझ में? तो हम लोग इनिशियली 2 सब्जेक्ट से स्टार्ट करेंगे, 10-15 दिन जब आप उसके रूटीन में आ जाएंगे, फिर हम 2 सब्जेक्ट और डाल देंगे। तो देखो हमने लिख रखा है, हम लोग सबसे पहले 2 सब्जेक्ट से शुरू करेंगे, फिर हम रिमेनिंग 2 सब्जेक्ट से शुरू करेंगे, और फिर जब आप 2 महीने 2-2.5 महीने module 1 में प्रैक्टिस कर चुके होंगे, 2 महीने जब आप module 1 में कंफर्म हो चुके होंगे, आपको module 1 समझ आने लग जाएगा, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आप टेस्ट दे दोगे, आपको राइटिंग प्रैक्टिस हो जाएगी, तब हम धीरे से module 2 इंट्रोड्यूस करेंगे। यहां आ गई अब आपके डिसीजन लेने वाली बात। जैसे ही module 2 हमने इंट्रोड्यूस किया, अब आप 1 महीना कम से कम module 2 भी पढ़ के देखना। अब आप वो जो 3रा महीना होगा आपका, उस 3रे महीने आप module 1 भी पढ़ रहे होगे, module 2 भी पढ़ रहे होगे। एंड नाउ इज द टाइम टू मेक द डिसीजन। अगर आपको लगता है आपसे 8 हो पा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, कंटिन्यू करते रहना। और अगर आपको लगे कि नहीं मैम हमसे 4 हो पा रहे हैं, module 2 की क्लास वहीं छोड़ देना, जब आप जून में पेपर दे के फ्री हो जाओगे, देन वी विल स्टार्ट विद module 2 अगेन। आ गई बात समझ में? यही तो तरीका हुआ ना डिसाइड करने का। कोई और ये फैसला कैसे ले सकता है कि हम 1 पेपर देंगे, 2 पेपर देंगे, 4 पेपर देंगे कि 8 पेपर देंगे, ये हमारा करियर है, एंड वी ओनली हैव अ राइट टू डिसाइड दैट हाउ मेनी पेपर्स वी शुड बी गिविंग। आई बात समझ में? तो खुद पढ़ो, खुद डिसाइड करो, अपनी कैपेबिलिटी, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, दोस्तों के चक्कर में मत पढ़ना, किसी के एडवाइस के चक्कर में ना पढ़ना। ऐसे भी बच्चे हैं जिन्होंने बोथ ग्रुप एक बार में निकाला है, ठीक है, और ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने सिंगल सिंगल करके आज कंपनी सेक्रेटरी बन के बहुत अच्छी प्रैक्टिस और बहुत अच्छी जॉब की हुई है। सो बोथ वेज एवरीथिंग इज गुड, ओके, फाइन।
हमारा कोर्स कंप्लीशन हो जाता है एग्जाम के 2 महीना पहले, और उसके बाद होते हैं हमारे मॉक पेपर्स। ये मॉक पेपर्स होते हैं 100 मार्क्स पेपर इन द एग्जाम पैटर्न। जैसा आपका एग्जाम होता है बिल्कुल वैसे ही एग्जाम पैटर्न में मॉक पेपर्स होते हैं, और इस मॉक सीरीज के पहले कम से कम 200 से 300 टेस्ट होंगे आपके, हर चैप्टर के हर टॉपिक के अलग अलग टेस्ट होंगे विद इवैल्यूएशन। विद इवैल्यूएशन क्योंकि राइटिंग पेपर में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है आपको पता है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि मैम हमसे आंसर लिखा नहीं जा रहा। हमको क्लास में समझ में तो सब कुछ आता है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू राइटिंग आई एम नॉट एबल टू एक्सप्रेस माय वर्ड्स। आई एम एबल टू राइट बट माय आंसर्स गेट रॉन्ग। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है बच्चों की। मैम हमारी इंग्लिश में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, हमें समझ नहीं आ रहा हम कैसे लिखें। तो जब आपको समझ नहीं आ रहा लिखना कैसे, देखो किसी भी चीज की 2 चीजें होती हैं, समझना और लिखना। अगर आपको समझ में सब कुछ आ रहा है लेकिन आप आंसर नहीं लिख पा रहे हो तो एग्जामिनर को क्या अपनी ओरल कथा सुनाओगे? ऑब्वियसली नॉट। इसके लिए हम बैठे हैं, आप आंसर्स लिखोगे, आप टेस्ट लिखोगे, आई विल बी चेकिंग ऑल द पेपर्स एंड देन आई विल बी टेलिंग यू योर मिस्टेक। जब आपको अपनी मिस्टेक पता चलेगी 100-200 टेस्ट देने के बाद, आप इतने पक्के हो जाएंगे कि वो 100 नंबर के मेन एग्जाम के लिए आपका डर बिल्कुल खत्म हो जाएगा। एंड दिस इज हाउ वी मेक पीपल परफेक्ट, ओके। और फाइनली आपकी एग्जाम डेट आएगी। ये शिक्षा की छोटी सी स्ट्रेटजी थी। एक छोटा सा और रिक्वायरमेंट मैंने आपके लिए लिखी है, स्टडी। ये मैंने बता दिया ऑलरेडी आपको, स्टडी फॉर बोथ मॉड्यूल फॉर वन मंथ, इफ यू फील कंफर्टेबल गो फॉर बोथ और एल्स ड्रॉप सेकंड, बता दिया मैंने आपको। इफ यू डिसाइड टू चूज ओनली वन मॉड्यूल यू कैन ड्रॉप द क्लासेस ऑफ मॉड्यूल 2 एंड फोकस ऑन मॉड्यूल 1। जैसे ही आपको फीलिंग आए आप हमको बता दो मैम नहीं हो पा रहा है, हमसे 4 ही हो पाएगा, ठीक है, आप इमीडिएटली मॉड्यूल 2 की क्लासेस छोड़ दीजिए, जून के बाद फ्री माइंड से मॉड्यूल 2 फिर से पढ़ लेना, नॉट अ बिग इशू। इंपॉर्टेंट ये है 2 डेट्स होती हैं, एनरोलमेंट कराने की डेट, एग्जाम फॉर्म भरने की डेट। एनरोलमेंट कराने की डेट 30 नवंबर है आपके लिए बोथ मॉड्यूल के लिए, और जब एग्जाम फॉर्म भरना है वो होगी 25 मार्च। और ये डिसाइड कब करना होगा बच्चों, फाइनली इंस्टीट्यूट फाइनली आपसे ये कब पूछेगा कि भाई 1 दोगे कि 2 दोगे, वो आपसे पूछेगा 25 मार्च, यानी ये डिसाइड करने का आपके पास समय है 25 मार्च तक। तो सारी टेंशन्स भूल जाइए और नॉलेज के सागर में डूब जाइए। चलिए, बेनिफिट्स बहुत सारे होते हैं भैया बोर्ड मॉड्यूल के, एक बेनिफिट वैसे तो बहुत सारे होते हैं, हमने एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पे उठाया हुआ है लेक्चर में अपने, सेट ऑफ का बेनिफिट। कई बार हो सकता है आपने अपने सीनियर से एक लाइन सुनी होगी, बोथ ग्रुप में तो सेट ऑफ मिल जाता है, फायदा हो जाता है। अब आपने उनकी बात तो सुन ली, आपको ये समझ नहीं आया सेट ऑफ क्या हुआ, और ना आप उससे उनसे पूछ पा रहे हैं, तो कोई नहीं, आई एम देयर टू सॉल्व ऑल योर प्रॉब्लम्स। सेट ऑफ का मतलब ये होता है कि जब आप बोथ ग्रुप देते हो, जब आप दोनों ग्रुप देते हो, तो एक के मार्क्स दूसरे में ट्रांसफर करके आपको पास कराया जा सकता है। मैम ये क्या हुआ? हाँ बच्चों बिल्कुल सही बात है, पासिंग क्राइटेरिया की अगर हम लोग बात करें तो आपको पता होगा पासिंग क्राइटेरिया होता है 40 आपको चाहिए होता है इंडिविजुअली, ठीक है, और 50% यानी 50% आपको चाहिए होता है इन एग्रीगेट, यानी सब मिला करके। तो अगर हम कहें कि मॉड्यूल 1 में हमारे 4 पेपर हैं, तो 4 पेपर का मतलब ये हो गया सब में 40 मिनिमम है। टोटल कितना होना चाहिए? टोटल होना चाहिए 200, क्योंकि टोटल हो गया 400, तो 400 में से पासिंग कितनी होगी? 200। ये पासिंग क्राइटेरिया होता है, सब में 40-40-40 हो और कुल मिला के 50% हो, ठीक है। तो अगर हम सिर्फ मॉड्यूल 1 की बात करते हैं तो सारे सब्जेक्ट्स में कम से कम 40-40-40 होने चाहिए और टोटल आपके 200 होने चाहिए। 2 बच्चे हैं हमारे, संता और बंता। संता भाई साहब ने कहा भैया हम एक ही मॉड्यूल देंगे, 4 पेपर देंगे, हमसे ना हो पाएगा 8 पेपर, ठीक है। संता के मार्क्स देखिए, बड़ी किस्मत से मिलते हैं ऐसे मार्क्स। संता के पेपर 1 में 40 आए, पेपर 2 में 40 आए, पेपर 3 में 50 आए, पेपर 4 में भी 50 आए। हमको ये बताओ ये इंडिविजुअली पास हैं कि नहीं है? मैम इंडिविजुअली तो पास हैं, क्योंकि आपने कहा है मिनिमम 40 मार्क्स आने हैं इनके, देखो पेपर 1 में 40 है 50 इंडिविजुअली तो पास है, लेकिन संता फेल क्यों हो गए? क्योंकि इनका टोटल बन रहा है 180, यानी इनका एग्रीगेट रुक गया। अगर आप सीनियर बच्चों से पूछोगे ना, उनके दिल का दर्द यही होता है। कई बार जब आप इंडिविजुअली पास होते हो और एग्रीगेट रुक जाता है ना, तो ये तकलीफ तो बयां भी नहीं हो पाती कि भैया पास तो सब में है लेकिन पास नहीं हुए, फेल हो गए क्योंकि एग्रीगेट नहीं बना। बनता कुछ है, बनता ने बहुत ग्रुप दिए थे। सर अब बनता के मार्क्स देखो,
बंता के भी मॉड्यूल वन में सेम नंबर आए हैं। बंता के नंबर देखिए जरा, पेपर वन में बनता के 40 है, पेपर टू में भी 40 है, पेपर थ्री में भी 50 है और पेपर फोर में 50 है। संता और बनता के नंबर तो एग्जैक्टली सेम है, लेकिन इनका कमाल कर गया मॉड्यूल टू। मॉड्यूल टू में इनके 60 60 50 50 है, यानी इनका टोटल था 220। अब देखो 220 है बनता के मॉड्यूल टू में और 180 है, टोटल हो गया इनका 400-800 में से बनता बोथ मॉड्यूल पास है, बनता आ गए प्रोफेशनल में। समझ आया? क्या समझ आया? समझना ये है कि बोथ मॉड्यूल के इस फायदे को कहा जाता है सेट ऑफ का फायदा। सेट ऑफ के फायदे का मतलब ये हुआ कि अगर आपके एक मॉड्यूल में कम है, दूसरे मॉड्यूल में ज्यादा है, तो दूसरे मॉड्यूल के नंबर पहले मॉड्यूल में डाल करके आपको पास कराएंगे, लेकिन उसकी एक शर्त है, आपको इंडिविजुअली सारे सब्जेक्ट में पास होना जरूरी है। अगर बनता के 40 40 50 50 ना आए हुए होते, किसी एक सब्जेक्ट में 30s में या 40s में 30s वगैरह में आए होते तो ये पास ना होते। ठीक है, इस फायदे को सेट ऑफ को फायदा कहा जाता है। अगर आपको मेरी ये बात ना समझ में आई हो ना, तो पहली चीज तो रिवाइंड कर लेना, 3-4 बार रिवाइंड करके देखना, तब भी ना समझ में आए तो हमको बताना, हम इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन करा देंगे आपको, ताकि आपको ये डाउट भी क्लियर हो जाए। सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ सेट ऑफ एंड दिस विल बी अचीव्ड ओनली व्हेन यू विल बी गोइंग फॉर बोथ मॉड्यूल। कोई नहीं, बट इंडिविजुअली सिंगल मॉड्यूल से भी आप पास हो सकते हो। और भी बेनिफिट्स हैं, कुछ कंटेंट कॉमन हो जाता है मॉड्यूल वन का मॉड्यूल टू का। हाँ भाई, ऑल इंडिया रैंक, इसका तो ग्रीड है आपको, इसकी तो लालच है आप, ऑल इंडिया रैंक वो तो तभी आएगी जब बोथ मॉड्यूल दोगे। सिंगल मॉड्यूल में ऑल इंडिया रैंक नहीं मिलती, ऑल इंडिया रैंक मिलती है सिर्फ बोथ मॉड्यूल में। तो अगर आपको ऑल इंडिया रैंक लाने की चाहत है, तो यू शुड गो फॉर बोथ मॉड्यूल। एंड बिलीव मी फ्रेंड्स, एक सच बात बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि बोथ ग्रुप इम्पॉसिबल है, क्योंकि अगर बोथ ग्रुप इम्पॉसिबल होता तो इंस्टीट्यूट ने कभी भी बोथ ग्रुप का ऑप्शन रखा ही ना होता। आप हिस्ट्री में उठा के देख लो, ना जाने कितने ऐसे बच्चे हैं जो एक बार में बोथ मॉड्यूल क्लियर करते हैं और एक बार में सीएस बन जाते हैं। ठीक है, सो नथिंग इज इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल वर्ड अपने आप में कहता है आई एम पॉसिबल। यस, हाँ भाई, प्री एग्जाम के बारे में, हम कहीं उड़ता उड़ता प्री एग्जाम भी सुना था, ये कैसा एग्जाम है, प्री एग्जाम में फेल हो गए फिर क्या होगा। भाई प्री एग्जाम होता क्या है, पहले तो समझ लो, फेल आप पहले समझ लेते हैं, किसी भी चीज की सबसे पहली चीज फेल हो जाएंगे, है ना। प्री एग्जाम कुछ नहीं है, इंस्टीट्यूट ये कह रहा है कि भाई हम पहले ये देखना चाहते हैं कि आप एलिजिबल हो कि नहीं हो, थोड़ी बहुत प्रिपरेशन करी है कि नहीं करी है। तो एग्जाम फॉर्म भरने के पहले, यानी 25 मार्च तक आपको प्री एग्जाम देना होता है। प्री एग्जाम क्या होता है, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, चारों पेपर के, मतलब आठों पेपर के। ठीक है, ध्यान देना, जो मेन एग्जाम होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम आपसे बात करें ज्यूरिसप्रूडेंस का, ज्यूरिसप्रूडेंस का मेन एग्जाम सब्जेक्टिव होता है, लेकिन उसका प्री एग्जाम एमसीक्यू होगा। प्री एग्जाम के आठों पेपर एमसीक्यू ही होंगे, भले ही उनका मेन एग्जाम सब्जेक्टिव क्यों ना हो। अच्छा मैम, कहां से देने होते हैं? कुछ नहीं, घर से देने होते हैं, घर में बैठ के, अनलिमिटेड अटेम्प्ट है, जितनी बार चाहो दे दो। अब जैसे आपने सितंबर में अपनी पढ़ाई शुरू कर दी, 3-4 महीने 5 महीने आपने पढ़ा, आपको लगा ज्यूरिसप्रूडेंस में तो बड़ी मजा आ रही है, चलो हम ज्यूरिसप्रूडेंस का प्री एग्जाम ट्राई करते हैं। कुछ नहीं, आपने इंस्टीट्यूट की साइट में लॉगिन किया, ज्यूरिसप्रूडेंस का एमसीक्यू पेपर खोला, लगाते गए, पास हो गए, बहुत अच्छी बात है, नहीं पास हुए अगले दिन फिर ट्राई कर लेना, कोई लिमिट नहीं है। हाँ, बस 25 मार्च तक पास हो जाना है। एंड बिलीव मी, मैक्सिमम बच्चे ना एक बार में पास हो जाते हैं। इससे फायदा क्या होगा, कुछ बच्चे बड़े अलग अलग तरीके निकालते हैं, यहां से ढूंढ लो, वहां से ढूंढ लो, गूगल खोल के बैठ जाओ, ये कर लो, बट बिलीव मी, जितनी बार आप पेपर दोगे ना, उतनी बार आपका रिवीजन नहीं हो रहा है। यही ऑब्जेक्टिव था इंस्टीट्यूट का। आपने ज्यूरिस पेपर दिया, पास नहीं हुआ, आप अगले दिन फिर दोगे, तो भाई जितनी बार पेपर दे रहे हो, प्रिपरेशन तो हो ही रही है मेन एग्जाम की। तो इसमें ऐसा अभी तक तो नहीं हुआ कि कोई बच्चा प्री एग्जाम में फेल हो गया तो उसका मेन एग्जाम छूट गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। तो बिलीव मी, दिस इज वेरी इजी, एनी टाइम एनी वेयर मोड, घर पे बैठ के दे दो, कभी भी दे दो, जितने अटेम्प्ट चाहो उतने अटेम्प्ट ले लो, 25 मार्च के पहले तक पास हो जाना। एंड बिलीव मी, इट्स वेरी सिंपल। ठीक है, हाँ, नेगेटिव मार्किंग होती है, परेशान ना हो, उनको पता है यही चीज थी आपके दिमाग में। ऑनलाइन एग्जाम होता है एनी टाइम एनी वेयर मोड में, कवर्स क्वेश्चन फ्रॉम योर कोर्स, नेगेटिव मार्किंग होती है और अनलिमिटेड अटेम्प्ट होते हैं, तो प्री एग्जाम इज नॉट एट ऑल अ वेरी बिग डील, इनफैक्ट इट विल मेक योर प्रेपरेशन बेटर। ये सब था ए टू जेड, जो कुछ भी हम आपको एग्जीक्यूटिव के बारे में बताने वाले थे, और ये सिर्फ एक शुरुआत है। ठीक है,
इन्हीं सब चीजों के बारे में, इन्हीं सब कंटेंट, सबसे इंपॉर्टेंट पूरी चीज में क्या थी आपको पता है? वो सब्जेक्ट, उसके अंदर का कंटेंट, क्योंकि वो सब्जेक्ट और उसका कंटेंट ही आपका करियर बनाने वाले हैं। तो जितना स्ट्रांगली, जितना अच्छे से वो आप पढ़ोगे, जितना नॉलेजफुल उसमें होगे, जितना स्ट्रांग आप उसमें होगे, उतना ही आपका करियर स्ट्रांग होगा, एंड कि जितना करियर स्ट्रांग होगा उतनी ही अच्छी सैलरी होगी। यस, सो द अर्लियर यू स्टार्ट वर्किंग ऑन समथिंग द अर्लियर यू विल सी रिजल्ट्स। कुछ कोटेशन है आपके लिए डाली थी मैंने, कीप योर आईज ऑन द स्टार्स एंड योर फीट ऑन द ग्राउंड। जब आप एग्जीक्यूटिव करोगे ना, मैक्सिमम लोग आपसे कहेंगे नहीं हो पाएगा, बहुत टफ होता है, तुम क्या कर पाओगे, उससे नहीं हो पाया, वो इतना पड़ता था। डोंट लुक एट देम, लुक एट द स्टार्स। जब ऊपर देखोगे ना तो आपको नीचे वालों की आवाज ही नहीं सुनाई देगी। ठीक है, तो बी वेरी कॉन्फिडेंट। एंड एक और चीज, जब आप इस पूरे कोर्स को करोगे तो कई बार ना विल पावर थोड़ी थोड़ी डाउन होगी। ओके, कई बार आपको ऐसा फील होगा हमसे नहीं हो पा रहा, बहुत टफ है, कैसे मैनेज करें, क्या करें। एंड बिलीव मी, वेन एवर यू आर हैविंग दीज टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स, द फर्स्ट पर्सन विच यू आर गोइंग टू रिमेम्बर इज मी। हमें पता है आपने अपने दोस्त का नाम सोचा? नो, जब भी आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम होगी आप मेरे से बात करोगे। आई विल हेल्प यू टू मेक योर टाइम टेबल, आई विल हेल्प यू टू मोटिवेट यू, आई विल ट्राई ऑल माई बेस्ट ताकि मैं आपको उस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकूं। ठीक है, सो दैट इज माई प्रॉमिस, आई विल ट्राई टू कीप माई प्रॉमिस। वेन एवर यू आर फेसिंग एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम, प्लीज फील फ्री टू टॉक टू मी। ओके, सो ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। ये कुछ ऑल इंडिया रैंकर्स हैं हमारे, शायद आप इसमें से कहीं हो, और आई एम वेरी ईगर कि आप इसमें से कहीं पे होंगे। और ये मेरा थोड़ा सा कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, इफ यू वॉन्ट एनी टाइप ऑफ क्वेरीज, एनी हेल्प, एनी प्रॉब्लम, प्लीज फील फ्री टू डिस्कस फ्रॉम मी। सो दिस वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड। अगर मैंने कुछ मिस कर दिया हो सी एस एग्जीक्यूटिव के बारे में, या अगर आपकी कोई और क्वेरीज हो तो प्लीज डोंट हेजिटेट टू आस्क फ्रॉम मी। सो टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच, एंड वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू द सी एस एग्जीक्यूटिव कोर्स। Thank you.